हेलो फटेटो, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। अब मौसम फिर बदल रहा है और सर्दी दस्तक दे रही है। इन दिनों कई लोग वायरल बुखार की चपेट में हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है आपकी जानकारी के लिए। दरअसल सितंबर से दिसंबर तक का ड्राई मौसम बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। इस दौरान नाक, कान, गले की एलर्जी, सांस लेते समय छाती में परेशानी, आंखों पर स्ट्रेन, आवाज का बैठना, जुखाम व खांसी जैसी बीमारियां ज्यादा होती हैं। ये बीमारियां इन दिनों होने वाली आतिशबाजी, धान की कटाई, शुष्क मौसम, सड़कों पर उड़ती धूल आदि से होती हैं। और आइए अब बात करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन क्या है। दरअसल कॉमन कोल्ड या जुखाम, इसमें नाक बंद हो जाती है, छींकें आती हैं, खांसी हो जाती है, गला खराब रहता है और बुखार भी हो जाता है। इसके फैलने का कारण वातावरण में मौजूद वायरस है, जो एक दूसरे में सांस के जरिए छींकने से या खांसने पर ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है। इसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का वायरस कहते हैं, जो जाड़ों में ज्यादा फैलता है। हैजा भी वायरस से फैलता है और यह किसी भी मौसम में हो सकता है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया, फ्लू, चिकनगुनिया, पीलिया, डायरिया, हेपेटाइटिस भी वायरस से फैलते हैं, जो साल में कभी भी हो सकते हैं। बच्चों में डायरिया फैलने की मुख्य वजह वायरल इन्फेक्शन ही है, इसे वायरल डायरिया भी कहा जाता है। सामान्य दर्द और बुखार से लेकर एंकेफेलाइटिस और मेनिनजाइटिस तक वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी वायरल हो सकता है। दरअसल जब हम छींकते या खांसते हैं तो हवा में सैकड़ों ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। 1 से 4 दिन के भीतर पूरे शरीर में यह फैल जाता है। इसे हम कॉमन कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होता है। दरअसल कॉमन कोल्ड या वायरल तो 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बना रहे और तेज खांसी, बुखार और अगर छाती में बलगम जमा होने लगे और सांस लेने में तकलीफ, बुखार, निमोनिया आदि की दिक्कत बढ़ने लगे तो इसे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस होने से मरीज की नाक, सिर और माथा जकड़ने लगता है और पूरा चेहरा दर्द करता है, साथ में भारीपन भी महसूस होता है। कई बार नाक से गाढ़ा सा बलगम और साथ में खून भी आने लगता है। यह वायरल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाता है। वायरल पहली स्टेज है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी, जिसमें मरीज को एंटीबैक्टीरियल दवाएं देना जरूरी हो जाता है। और आइए अब बात करते हैं वायरस फैलने की वजह क्या है। वायरस फैलने की जो सबसे पहली वजह है वह है पोल्यूशन। दरअसल सर्दियों में सुबह शाम वातावरण में पोल्यूशन की एक परत छाई रहती है। इसी हवा में हम सांस लेते हैं, जिसमें हजारों तरह के वायरस होते हैं। भीड़भाड़ वाली जगह पर इकट्ठा होने से भी वायरस फैलता है। आजकल मेलों, मॉल, सिनेमा हॉल में छुट्टी बिताने का चलन है। ऐसी जगहों पर एयर कंडीशनर लगे होते हैं, बाहर की ताजा हवा तो मिलती नहीं। जब लोग छींकते हैं, खांसते हैं तो वही ड्रॉपलेट्स पूरी हवा में फैल जाते हैं और लोग वायरस की चपेट में आ जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं वायरल और फ्लू में फर्क क्या है। वायरल का ही 10 गुना बड़ा रूप होता है फ्लू। वायरल में आमतौर पर मरीज बिस्तर पर नहीं पकड़ता, जबकि फ्लू में अच्छा खासा बुखार आ जाता है। नाक बहना, गले में इन्फेक्शन होना, तेज छींके, खांसी और शरीर में दर्द सब एक साथ होता है। फ्लू 3 से 5 दिन में ही एक इंसान को बेहाल कर देता है और फ्लू के लिए एंटीवायरल दवा दी जाती है। इसका 5 दिन का कोर्स होता है। और आइए अब बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन का इलाज क्या है। तो सबसे पहले इलाज एलोपैथी में। अगर किसी को सिर्फ जुखाम हुआ है तो आमतौर पर उसे किसी खास इलाज की जरूरत नहीं होती। जुखाम के बारे में एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, इफ यू ट्रीट द कोल्ड इट्स टेक 1 वीक टाइम, इफ यू डोंट ट्रीट इट्स टेक 7 डेज टाइम। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दवा लेंगे तो भी इसे ठीक होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना आपके दवा ना लेने से। दरअसल हर बीमारी की कुछ फितरत होती है और वह ठीक होने में थोड़ा समय भी लेती है। उसके बाद वह खुद शरीर छोड़कर भागने लगती है। फिर भी अगर करना ही पड़े तो जुखाम के लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर मरीज को तेज छींके आ रही है तो उसे ऐसी दवा दी जाती है जिससे उसकी छींके रुक जाए। अगर मरीज की नाक बंद है तो नाक खोलने की दवा दी जाती है, और अगर बुखार है तो पैरासीटामोल, मसलन कॉलपोल या क्रोसिन जैसी दवाएं डॉक्टर लिखते हैं। जुखाम में एंटीवायरल ड्रग्स नहीं दी जाती और एंटीबायोटिक्स का तो इसके इलाज में कोई रोल ही नहीं है।
कई बार शुरू में वायरल इन्फेक्शन होता है और बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। अगर किसी मरीज को साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी, लेकिन इन्हें कम से कम 5 दिन दिया जाता है। कुछ वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग भी आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग काम नहीं करते। हर्पीस, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस जैसी कुछ बीमारियों के लिए एंटीवायरल ड्रग उपलब्ध हैं। और आइए अब बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज की। वायरल इन्फेक्शन में होम्योपैथिक दवाओं को लक्षणों के आधार पर दिया जाता है। जैसे अगर छींकें तेज आ रही हैं और नाक से पानी बह रहा है तो रस्टॉक्स, इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम और इलियम सीपा दवा दी जाती है। अगर गले में इन्फेक्शन है तो ब्रायोनिया, रस्टॉक्स और जलसीमियम दवा दी जाती है। इसके अलावा अगर बदन दर्द और सर दर्द है तो फेरस फॉस दिया जाएगा, और अगर लोअर रेस्पिरेटरी समस्या है तो ब्रायोनिया कोस्टिकम के साथ बायोकेमिक मेडिसिन दवा दी जाती है। ये सभी दवाएं डॉक्टर मरीज की स्थिति और लक्षणों को जानने पर रखने के बाद ही लिखते हैं। बड़ों, बच्चों और महिलाओं के लिए इन दवाओं की अलग अलग डोज और अलग अलग पावर होती है, इसलिए दवाओं को डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। और आइए अब जानते हैं वायरल का आयुर्वेदिक उपचार क्या है। वायरल के इलाज में आयुर्वेद मौसम के मुताबिक खान पान पर जोर देता है। तुलसी की पत्तियों में कीटाणु मारने की क्षमता होती है, लिहाजा बदलते मौसम में सुबह खाली पेट 2-4 तुलसी की पत्तियां चबाएं। अदरक गले की खराश जल्दी ठीक करता है, इसे नमक के साथ चूस सकते हैं। इसके अलावा गिलोय, तुलसी की 8-9 पत्तियां, काली मिर्च के 4-5 दाने, दालचीनी 4-5 और इतनी ही लौंग, वसा यानी अडूसा की थोड़ी सी पत्तियां और अदरक या सौंठ मिलाकर काढ़ा बना लें। इसे तब तक उबाले जब तक पानी आधा रह न जाए। छान कर नमक या चीनी मिलाकर गुनगुना पी लें। इसे दिन में 2-3 बार पीने से काफी आराम मिलता है। काढ़ा पीकर फौरन घर के बाहर ना निकलें। वायरल बुखार में रात को सोते वक्त 1 कप दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पिएं। गले में अगर ज्यादा तकलीफ है तो संजीवनी वटी या मृत्युंजय रस की 2 टेबलेट भी आप ले सकते हैं। इन्हें लेने से खासा आराम मिलता है। गले में इन्फेक्शन है तो सीतोपलादी चूर्ण काफी फायदेमंद है। इसे 3 ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 2 बार चाटें। इससे खांसी में भी आराम मिलेगा। डायबिटीज के मरीज शहद की जगह अदरक या तुलसी का रस मिलाकर सीतोपलादी ले सकते हैं। वैसे गर्म पानी से भी इस चूर्ण को लेने से काफी आराम मिलता है। इसके अलावा त्रिभुवन कीर्ति रस, मृत्युंजय रस या नारदीय लक्ष्मी विलास रस में से किसी एक की 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार गुनगुने पानी से लेने से गले को आराम मिलता है। टॉन्सिल व गले में दर्द है तो कचनार गुग्गुल वटी की 2-2 टेबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी से खाएं। और आइए अब जानते हैं कि बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। आम भाषा में बोले जाने वाले कॉमन कोल्ड या जुखाम की शुरुआत बच्चों में नाक बहने से होती है। इसके साथ छींक, आंखों से पानी आने और हल्की सी खांसी की भी शिकायत हो सकती है। इसे वायरल भी कहते हैं। बड़े लोग तो अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन दूध पीता बच्चा बोल नहीं पाता। ऐसे बच्चे सांस लेते वक्त आवाजें करते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी नाक में ब्लॉकेज है। बच्चा बेवजह रोने लगता है, उसे हल्का बुखार भी हो सकता है। दूसरी ओर ऐसे बच्चे जो बोल सकते हैं उनमें भी वायरल के वही लक्षण होते हैं। कुछ बच्चों की नाक बंद होती है तो कुछ को बहुत छींक आती है। कुछ बच्चों को हल्का बुखार भी महसूस होता है। आप थर्मामीटर लेकर नापें तो बुखार पता भी नहीं चलता। इसे अंदरूनी बुखार या हरारत भी कहते हैं। सभी बच्चों में जुखाम के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। और आइए अब जानते हैं बच्चों को वायरल से कैसे बचाएं। वायरस 2 तरह का होता है, पहला एडनिक और दूसरा पेडनिक। एडनिक वायरस की वजह से होने वाला फ्लू किसी एक जगह पर दिखाई पड़ता है, जबकि पेडनिक सब जगह देखा जा सकता है। जैसे स्वाइन फ्लू शुरू तो मेक्सिको में हुआ, लेकिन महीने भर बाद भारत पहुंच गया। पेडनिक वायरस दुनिया भर में 1 महीने के भीतर ही फैल सकते हैं। यह वायरस अपनी सकल सूरत भी बदल लेता है और एक नए तरीके का वायरस दिखना शुरू हो जाता है। यह उन सभी लोगों पर अटैक करता है जो इससे पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। इससे बचाव के लिए WHO साल में 2 बार सितंबर और मार्च में एंटी फ्लू वैक्सीन रिलीज करता है। सितंबर में उत्तरी क्षेत्र जहां हम रहते हैं और मार्च में दक्षिणी क्षेत्र यानी ऑस्ट्रेलिया में यह वैक्सीन रिलीज होती है। यह वैक्सीन 600 से 900 रुपए के बीच उपलब्ध है, जिसे 6 महीने के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दिया जा सकता है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को यह साल में 2 बार दिया जाता है, जबकि इससे ऊपर के लोगों को यह साल में केवल 1 बार दिया जाता है। और इस वैक्सीन को स्वाइन फ्लू की वैक्सीन कहते हैं। यह अलग अलग नामों से आती है। स्वाइन फ्लू से बचाव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक इंडस्क्रीन आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके अलावा आपको यह भी कोशिश करनी चाहिए कि सर्दी ना लगे, पूरे कपड़े पहनकर बाहर जाएं। कोई खांस रहा हो तो हाथ में रुमाल रखें,
खुद भी अगर खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो रुमाल ले लें। कभी खाली पेट घर के बाहर ना निकलें, खाली पेट शरीर को कमजोर करता है। खाना मौसम के हिसाब से लें, अगर बाहर खाएं तो सफाई का पूरा ध्यान रखें। इस मौसम में फ्रिज का पानी पीने से बचें। इसके अलावा आइसक्रीम या ज्यादा ठंडी चीजें खाने से परहेज करें। और आइए अब जानते हैं कि वायरल होने पर क्या करें। अगर आपको वायरल हो गया है तो नमक डालकर गुनगुने पानी से गरारे करें। ज्यादा से ज्यादा पानी और विटामिन सी वाली चीजें लें, लेकिन ज्यादा खट्टे फलों से आपको बचना चाहिए। वायरल के दौरान सामान्य पौष्टिक खाना यानी संतुलित आहार लें। अगर बुखार है और भूख नहीं लगती तो हैवी खाना ना लें, क्योंकि वह बुखार के कारण नहीं पचेगा। जहां तक संभव हो सके गर्म व तरल पदार्थ जैसे सूप, दलिया, खिचड़ी और रसेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में लें। इसके अलावा तुलसी, अदरक और चमनप्रास का भी इस्तेमाल करते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, और हमें उम्मीद है कि हमारी जानकारी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगी। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।